We'll start exercise 5.1, question number 2. What is the question 2? Write first 4 terms of the arithmetic progression. Then first term is A and common difference D is given. आपको arithmetic progression की 4 term निकालना है. कब निकालना है? जब आपको first term A दिया है, common difference D is equal to 10 दिया है. Here आप लिख रहे हैं first term A is equal to 10 किया हमने, common difference D is equal to 10. आपका ये जो first term है, that is given with the first term A is equal to 10. Second term कैसे निकालते हैं अपन? Add common difference to the previous term. T1 plus D. T1 क्या लिखते हैं आपका? 10. 10 plus 10 लिखता होगा आपका 20. T3 T1 plus 12. T1 कितना आपके पास? 10 twice D, 2 into 10, 20, 10 plus 20 is equal to 30, T4 is equal to T1 plus twice D, T1 कितना के पास? 10, 3 into 10, 10 plus 30 कितना होगा आपका 40, therefore 4 terms of arithmetic progression are, first term is 10, second term 20, third term 30, fourth term 40, यानी यहाँ का आंसर आपका करेक्ट है कि रॉन्ग हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं. कैसे? देखो दोनों में क्या फर्स्ट टर्म आ गया 10, कॉमन डिफरेंस 4, और टर्म का डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है. इसी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड फर्स्ट टर्म कितना आपका -2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -2, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0, t1 a -2, t2 a plus d, -2 प्लस 0 कितना हो गया आपका -2, T3 A प्लस 12, -2 प्लस 2 इनटू 0, -2 प्लस 0 कितना हो गया आपका -2, ओके. T4 A प्लस 12, इनपुट वैल्यू कितनी है आपका? A कितना है? -2, 3D 3 इनटू 0, -2 3 इनटू 0 0, ये -2 प्लस 0 कितना हो गया आपके पास? -2, ओके. देखो 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर -2 -2 -2 -2. फिर आप आंसर देखो किस प्रकार का है. फर्स्ट टर्म -2, कॉमन डिफरेंस 0, मतलब कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? नहीं. देन इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड. हियर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? क्या है फर्स्ट टर्म? दैट इज a, a इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस कितना दिया मेरे को? कॉमन डिफरेंस D is equal to minus. आप वर्ड में जाकर ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म A is equal to 4, कॉमन डिफरेंस D is equal to, हो गया, लिख लिया आपने. फिर T1 is equal to A is equal to 4, T2 A plus D minus 4, कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस 2. आप दो दो साइन नहीं देते हैं, प्लस और माइनस साइन साइमल्टेनियसली आए तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में साइन डिफरेंट रहा तो अपन क्या लिखते हैं? माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया आपका? 1. A प्लस 12, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो गया आपका? माइनस 6. 4 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 2. T4 A प्लस 5, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 4 3 इंटू माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 9. अब देखो यहाँ पर आप गलती कैसे कर सकते हैं? कभी कभी आप गलती से क्या करते हैं? 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 लिख लेते हैं, लेकिन आपका बॉर्डर सिंबल क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन. यानी पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में पहले बॉर्ड डी ओ डी डी एन क्या होता है? डिवीजन है ना, बॉर्ड डी एन डिवीजन या मैंने मल्टीप्लीकेशन ए फॉर एडिशन एस फॉर सब्ट्रैक्शन. यानी पहले आपको यहाँ 4 प्लस 3 सेवन ना करते हुए आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू माइनस 3 होगा माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होगा आपका? माइनस 3. A प्लस 5, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 6 का क्या माइनस 9, 4 माइनस 9 का क्या प्लस 9, 9 में से 4 चलेगा 5, बड़े नंबर का से माइनस. इन दिस से 4 टर्म्स आर क्या निकाले? प्लस में आपने 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म माइनस 2 और लास्ट में फोर्थ टर्म 4. इसलिए आपने लिए हैं 4 टर्म्स आर. अब आंसर लिखते नीचे हैं 4 टर्म्स आर 4 1 माइनस 2 5 4. फर्स्ट टर्म माइनस 1, ठीक है, आप क्या फर्स्ट टर्म लिख ही सकते थे वर्ड में चाहे तो,
first term a is equal to minus 1 दिया आपके पास और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है आपको कॉमन डिफरेंस b is equal to 1 by 2 फर्स्ट टर्म a is equal to minus 1 into a plus b minus 1 plus 1 by 2 देखो minus 1 plus 1 by 2 1 में से हाफ है तो हाफ ठीक है बड़े नंबर का साइन माइनस फिर a plus twice a की वैल्यू माइनस twice b की कितनी 1 by 2 2 मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म आपने कैंसिल कर दिया माइनस 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 0 यानी आपने फर्स्ट टर्म क्या निकाल लिया माइनस 1 सेकंड टर्म 1 by 2 थर्ड टर्म 0 फोर्थ टर्म निकाल लिया a plus twice माइनस 1 प्लस 3 into 1 by 2 3 1 जा 3 by 2 ओके फिर 2 into minus 1 minus 2 plus 3 by 2 minus 2 plus 3 sin लिखकर subtraction किया 3 minus 2 1 hence 4 terms of arithmetic progression are minus 1 1 by 2 0 and 1 by 2 अब आगे इसकी question number 3 here first term a is equal to minus 1.25 okay then common difference d कितना है common difference d is equal to minus 0.25 then t1 is equal to a is equal to minus 1.25 यहां तक आपको सबको ध्यान है ओके then t2 is equal to a plus b value of a minus 1.25 okay plus मैंने अभी आपको बताया था कि जब प्लस और माइनस दो साइड आते हैं तो आपको मालूम मल्टीप्लिकेशन में यहां पे भी माइनस 0.25 साइन सेम करेगा तो आपका क्या एडिशन 5 प्लस 5 0 कैरी 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 ये 1 ठीक है 1.25 प्लस 0.25 यहां पर थोड़ी सी गलती का हो सकती है आपके पास डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते हैं उसका बाद में एडिशन करना है प्रीवियस है तो प्रीवियस एडिशन करना है T3 a प्लस टॉयस ओके T3 कितना है माइनस 1.25 माइनस 2 इनटू b 2 इनटू b क्या मिल गया आपके पास माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस से भी माइनस हो गया आपका प्लस ओके ठीक है a प्लस तो है 2 5 जा 10 का 0 कैरी का कितना हो गया आपके पास 1 2 टू द 4 एंड 1 5.0 सिंपल 25 टू द 50 हो गया माइनस साइन से मैं क्या करेगा आप एडिशन हो गया 0 प्लस 5 5 5 प्लस 2 7 ये पॉइंट है माइनस 1 ओके अब आपने निकाल रहे हैं T4 a plus 3t एक और भी क्या आपके पास minus 1.25 plus ठीक है plus क्या आपने 3 into d के और भी क्या minus 0.25 direct multiplication होती है minus 1.25 plus 25 is a 75 2 point दीजिए आपने point ये 0 हो गया minus 7 different है तो minus 25 is the 75 लिखे आपने डेसिमल पॉइंट पर कितने नंबर थे आपने 2 ये आपने डेसिमल पॉइंट ले लिया साइन डिफरेंट माइनस हो गया अब साइन सेम है तो एडिशन हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी माइनस रहेगा 5 प्लस 5 10 कैरी का 1 7 प्लस 1 8 8 और 2 10 0 आगे पॉइंट यहां पे हो गए 2 हेंस 4 terms of arithmetic progression are कौन सी टर्म की बात करते हैं इसलिए माइनस 1.25 सेकंड टर्म माइनस 1.50 थर्ड टर्म माइनस 1.75 फोर्थ टर्म माइनस 2.00 आंसर भी टेल फर्स्ट टर्म
दोनों का डिफरेंस है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम को जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड दैट फाइंड आउट द कंजुगेटिव टर्म्स, इसको बोलते हैं कंजुगेटिव टर्म मेथड से निकालना। इसी का अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें सेम है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अपन कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इट, फाइंड फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस। फिर से रहे, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया था, फोर टर्म्स निकालना, समझ गए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, फोर टर्म्स निकालना था। यहां पर आपने कुछ फोर टर्म्स दी हुई, 3, 1, -1, -2 है, फोर टर्म्स आर गिवन, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, यहां पे आपको चार टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मेथड को सॉल्व करते हैं। हियर t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, t2 सेकंड टर्म 1, t3 कितना है, एक इंटीग्रेट आपको इंतजार है, तो t3 -1, t4 -1। ओके, नाउ क्या करेंगे आप, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, t2 -t1, t2 कितना है 1 -2, कितना आ गया -2, फिर t3 -t2 क्या बोलो, समझ में नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, t3 previous t 33 -1 -2 कितना है 1 -1 -1 -2, t4 minus t 4 कितना है -3 -, t4 minus t 4 कितना लिख लिया आपने -3, t3 कितना है -1, ब्रैकेट में लिख लिया आपने -1। ओके, -3 मल्टीप्लिकेशन साइन से +1 -2, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, अब आंसर लिख दिया, हेंस फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, देन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड में कितना समझ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 टर्म्स आर गिवन, फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था और आपको फोर टर्म्स निकाला था, दिस बोथ द प्रॉब्लम्स आर कॉमन ऑफ ईच अदर, तो मैं इनमें से क्या है कॉमन है, सेकंड इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, -5 -1 -3 -7, हियर t1 इज इक्वल टू -5, t2 is equal to -1, t3 is equal to 3, t4 is equal to 7, +5 = 4, then t3 - t2 कितना है 3, t2 - -1, 3 + कितना हो गया 4, t4 - 3, t4 = 7, t3 - कितना हो गया 7 - 3 = 4। आगे कॉमन डिफरेंस है, एंड इस प्रॉब्लम के लिए आपको आंसर वहीं पे पता चल रहा है, हर वक्त कॉमन डिफरेंस है, नाम ही ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, हेंस
अब आंसर मिले फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू माइनस फाइव देन कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हाउ मेनी फोर बराबर है एंड इन दिस वे यू शुड फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम सी वन का ना ठीक है इस तरह से आप तो निकालते जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड टर्म आप सकते हैं व्हाट इज थर्ड वन बाय थ्री फाइव बाय थ्री नाइन बाय थ्री थर्टीन बाय थ्री डैश डैश हियर P1 is equal to 1 by 3, even in our first term. P2 is equal to 5 by 3. P3 is equal to 9 by 3. P4 is equal to 13 by 3. Now, P2 minus P1. P2 is, that is 5 by 3. Minus P1, 1 by 3. दोनों पेशावर का सेम है फाइव माइनस वन फोर बाय डिनोमेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर का मतलब सबट्रैक्शन कर दिया टी थ्री माइनस टी थ्री कितना चला नाइन बाय थ्री माइनस टी टू फाइव बाय थ्री दोनों के डिनोमेटर सेम नाइन माइनस कितना चला नाइन माइनस फाइव कितना आ गया फोर बाय थ्री देन T4 minus T3. T4 is 13 by 3. Minus T4 minus T3. 9 by 3. Here also, denominator is same. 13 minus 9 is equal to 4 by 3. Again same. Hence, our answer is that first term A is equal to कितना निकाल लिया आपने? 1 by 3 okay and then common difference d is equal to 4 by 3 so common difference 5 by 3 minus 1 by 3 4 by 3 9 by 3 minus 5 by 3 9 minus 5 4 means again your answer is correct इस तरह से आपका मुझे आ सकता है correct हाँ अब आप इसमें से कौन सा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सब क्वेश्चन ठीक है देन फोर्थ नंबर प्रॉब्लम इज दैट 0.6 1.7 2.8 3.9 अप टू 4 हियर अगेन t1 इज इक्वल टू 0.6 दैट इज द डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म a t2 इज इक्वल टू 1.7 T3 is equal to 2.8, T4 is equal to 3.9. Then, now, T2 minus T1. What is T2? 1.7 minus 0.6. 7 minus 6, 1.1. Okay. Then, T3 minus T2. What is T3? 2.8. माइनस 1.7, 8 माइनस 7 1, 1, 2 माइनस 1 1, T4 माइनस 3, T4 3.9, माइनस T3, T3 2.8, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, इस है यह फर्स्ट टर्म क्या आपके पास फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.6 कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1.1 दिस इज ऑल द फोर प्रोसेस यू ऑब्जर्व हियर व्हेन दैट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एकादा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कहने का मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म क्या है सेम
इसमें से आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं काई की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बनाएंगे? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज रिमेन्स सेम देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या आपको क्यों पता है डेफिनेशन मैंने? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 8? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे फॉर्म एन एट्री फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट कर देते हैं। इन सभी प्रॉब्लम में क्या ध्यान में आया आपको? चारों प्रॉब्लम में आपके पास इसमें आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। अब आपको चेक करना है व्हाट दे डू देयर हियर वी चेक द गिवन सीक्वेंस इज इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। आपको यह चेक करना है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। यदि है तो क्या करना है? उसको निकालना है। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है अपना? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू कर। बीच ऑफ द फॉलोइंग बीच ऑफ द फॉलोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इफ दे इसमें से कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपको बताना है। यदि वो है तो क्या करना है आपको? इफ दे फॉर्म एन एपी फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यदि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड वी ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 2, 4, 8, 16 up to 100 क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए यह जो सीक्वेंस दी हुई है या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स कहते हैं आप, कोई कोई इसको सीक्वेंस कहते हैं, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स कहते हैं। दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन टू यू, आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिया है। इस लिस्ट ऑफ नंबर में पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि आपको चेक करना है, यदि है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद में उसके बाद की और तीन टर्म निकालना है। हियर T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 8, T4 is equal to 16. T1 2, T2 4, T3 8, T4 16. Now, T2 minus 3, what is T2? 4 minus 2, kitna aa gaya? 2. T3 minus 3, T3 kitna hai? 8. T2 4 is equal to 4, T4 minus T4 कितना है? 16 minus 8 is equal to 8. अब देखिए डिफरेंस सेम आया क्या? नहीं, आपके लिए क्या है? Here difference between two consecutive terms terms is not same. इसमें थ्री टर्म का डिफरेंस सेम आया क्या? नहीं, फोर बाय थ्री सेम आया। इसमें आया क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया था, इसमें आपको फाइंड करना था। ठीक है, हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Given sequence of list of number is not in arithmetic progression. If they form an arithmetic progression, कहने का मतलब ये arithmetic progression में है क्या? नहीं है।
जब है नहीं तो आगे की टर्म निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। एंड इस प्रॉब्लम में आपको पहले चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। यदि है तो आगे की टर्म निकालना है, अदरवाइज उस प्रॉब्लम को आपको वहां पर छोड़ दें। अब अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ओके,